चोपड़ा यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। नीट का री कर दिया है यानी कि ये री को डाउनलोड करना होगा इसमें इफेक्ट पड़ा है लेकिन फिर भी ये जो नए वाला रिजल्ट है ये ही मान्य रहेगा अब इस रिजल्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर एक तो सभी जो कैंडिडेट हैं चौबीस लाख तैतीस हजार दो सौ सत्तानवे कैंडिडेट ने इस बार नीट का एग्जाम दिया था उन सभी कैंडिडेट को ये रिजल्ट डाउनलोड करना जरूरी है ये रिजल्ट इन सभी कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना जरूरी है जो तेईस लाख तैतीस हजार दो सौ कैंडिडेट हैं इसके बाद ऑल इंडिया रैंक में कितना चेंज हुआ है मैं आपको यहां बता देता हूं देखो 670 मार्क्स पर 24 रैंक डाउन हुआ है यानी कि 617 पर पहले 14,000 रैंक हुआ करती थी अब उसमें से 24 रैंक डाउन हो गया है तो ये कुछ भी डाउन नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 600 मार्क्स की बात करें तो छसो मार्क्स पर फोर्टी रैंक डाउन हुआ है ओनली एटी रैंक थी उसमें ओनली फोर्टी रैंक डाउन हुआ है तो इससे कोई फर्क पड़ने नहीं है अब इसमें जो डाउनलोड का सिस्टम था प्रोसेस था उसमें थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ये डालने के बाद में रिजल्ट आ रहा था अब इन दोनों में से आप एक डाल सकते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है जो 4 तारीख को रिजल्ट आया था उसमें जो क्वालीफाइंग कट ऑफ थी वही क्वालीफाइंग कट ऑफ इस बार भी है ये जो री एग्जाम हुआ है पंद्रह स्टूडेंट का 23 जून को री एग्जाम हुआ था इसमें किसी भी कैंडिडेट ने टॉप तो, मतलब 720 में 720 किसी भी कैंडिडेट ने नहीं लिया इसमें सिक्स कैंडिडेट थे आ जो सिक्स कैंडिडेट में सिर्फ पांच कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था ये सिक्स कैंडिडेट 720 थे ग्रेस मार्क्स वाले जिनमें पांच कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और हालांकि उनके 680 से अबोव मार्क्स आए हैं कुछ कैंडिडेट के लेकिन ये सेवन ट्वेंटी किसी के भी नहीं आई जो पहले छह कैंडिडेट के थे तो अभी टोटल जो सेवन ट्वेंटी की लिस्ट है, 61 गई है फिर भी सवाल वही का वही है कि एम्स तो इन सभी कैंडिडेट को नहीं मिल सकता है एम्स नहीं मिल सकता इन सिक्सटी वन कैंडिडेट को एम्स दिल्ली सॉरी एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता बाकी एम्स तो मिल जाएंगे अब बात करते हैं हम रिजल्ट कैसे आपने डाउनलोड करना है और इसमें क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो यहां इस वेबसाइट पर विजिट करना एग्जाम्स डॉट एन टी ए डॉट ए सी डॉट इन ओब्लिक नीट क्लिक है रिवाइज्ड स्कोर कार्ड पर आपको क्लिक करना है जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें रिवाइज स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे या एप्लीकेशन नंबर डालना डेट ऑफ बर्थ डालना है और ईमेल आईडी डाल सकते हैं या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं इन दोनों में से कोई एक डाल के कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा क्वालिफाइंग कट ऑफ सेम वही है इसमें जो रिजल्ट की डेट दी गई है चार छह दो हजार चौबीस और तीस छह दो हजार चौबीस यानी कि दोनों डेट का ये रिजल्ट मिक्स है इसलिए यहां दोनों डेट दे दी है यहाँ पर इस नए रिजल्ट में यू आर की क्वालिफाइंग कट ऑफ एक सौ चौसठ है ओबीसी की वन ट्वेंटी नाइन है एससी एस टी की भी वन ट्वेंटी नाइन है डब्ल्यू डी कैंडिडेट की यू आर ईडब्ल्यू एस की 146 है और ओबीसी एस सी एस टी की 129 है तो ये क्वालिफाइंग कट ऑफ सेम जो चार तारीख को रिजल्ट आया था उसमें भी सेम की same ही थी इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए हैं तो उससे कोई फर्क यहां नहीं पड़ता है ये क्वालिफाइंग कट ऑफ ही देखी जाएगी तो इस क्वालिफाइंग कट ऑफ में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं हालांकि इसने स्टेटिक्स का पब्लिक नोटिस अभी दिया नहीं है ये एक सिंपल सी पब्लिक नोटिस दिया है जिसमें यह कहा गया है कि पंद्रह कैंडिडेट की एग्जाम लेने के बाद में ये रिजल्ट दोबारा से पब्लिश किया जा रहा है इसमें अट्ठाईस जून को हमने जो पंद्रह कैंडिडेट थे उसकी आंसर की ओमार चैलेंज के लिए दे दी था और अभी ये रिजल्ट दोबारा से री अपलोड कर रहे हम क्योंकि एक्सपर्ट ने चेक किया है वो ही सारा का सारा इसमें लिखा गया है लेकिन स्टेटिक्स अभी दिया नहीं गया जो रिजल्ट के साथ में दिया जाता है कि कितने स्टूडेंट टॉप है कितने स्टूडेंट कौन से स्टेट से हैं क्या है ये सारी की सारी स्टेटिक्स जो दी जाती है वो वो अभी डाटा डाटा दिया दिया नहीं है ने जैसे ही वो डाटा दिया जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर कर देंगे आप अपना रिजल्ट चेक कर ले और ये नया स्कोर कार्ड ही एडमिशन के लिए मान्य होगा तो ये जानकारी थी री रिजल्ट के बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे मिलेगी नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद